दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी भारत आने वाले सैलानियों का हौसला पस्त नहीं कर पा रही है। सरकार का मानना है कि इस साल भारत आने वाले सैलानियों का आंकड़ा अब तक का रिकॉर्ड पार कर जाएगा। सरकार का मानना है कि लगातार बेहतर हो रही सुविधाएं और नए प्रोडक्ट्स के चलते भारत के प्रति विदेशी सैलानियों में दिलचस्पी बढ़ रही है। राजस्थान के महल, हिमाचल की पहाड़ियाँ और दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल। दुनिया भर के सैलानियों को भारत तक खींच लाने के लिए ये नाम ही बहुत है और उस पर से सैलानियों को बेहतरीन सुविधाएं और नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स मिले तो फिर क्यों ना बड़े विदेशी मेहमानों की तादाद। यही वो वजहें हैं जिनके चलते भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की तादाद इस साल रिकॉर्ड छू सकती। इस साल अक्टूबर महीने तक विदेशी सैलानियों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक 52 लाख विदेशी सैलानी भारत घूमने आए, जबकि 2011 में 49 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे, 2010 में 45 लाख विदेशी पर्यटक और अक्टूबर 2009 तक 40 लाख विदेशी मेहमानों ने भारत का रुख किया था। सरकार का मानना है कि इस साल सैलानियों का आंकड़ा 70 लाख को पार कर सकता है। पिछले साल से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल आई थिंक ज्यादा आपको अच्छा ऑन द स्पॉट भी मिलेगा और गुड मेजर्स टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल टूरिज्म। सरकार चाहती है कि नए साल के जश्न में सराबोर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी सैलानी भारत आए। बेहतरीन सुविधाओं से लेके वीजा नॉर्म में रियायत तक सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसके चलते विदेशी नागरिक भारत की धरती तक खींचे चले हैं। सरकार ने वीजा के नियमों में भी रियायत देते हुए विदेशी नागरिकों के दौरों के बीच 60 दिन के अंतर में भी ढील दी है। जानकारों के मुताबिक विदेशी सैलानियों की संख्या में आए उछाल के पीछे बेहतर कनेक्टिविटी, बजट होटल्स की संख्या में इजाफा और नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स का योगदान है। हमारा आउटबाउंड जो है दैट इज डबल देन दैट ऑफ इनबाउंड, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम हमारा इनबाउंड शुड बैलेंस आवर आउटबाउंड। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फिलहाल उसका लक्ष्य हर साल 1 करोड़ विदेशी सैलानियों को भारत लाने का है। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली।